हिंदी सिनेमा में ऐसी कई हीरोइनें रही हैं जिन्होंने अपने दौर में न सिर्फ फिल्मी पर्दे पर राज किया बल्कि लोगों को भी अपनी बेहतरीन एक्टिंग से खूब लुभाया। लेकिन एक हीरोइन ऐसी रही जिसने अपने दमदार अभिनय और खूबसूरती का ऐसा जादू बिखेरा कि सभी देखते रह गए। ये हीरोइन थी नजीमा, जिन्होंने ज्यादातर फिल्मों में या तो हीरो की बहन का किरदार निभाया या फिर हीरोइन की दोस्त का। लेकिन इन किरदारों के जरिए भी नजीमा ने अपने लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया कि बाकी हीरोइनें भी डर गई थीं। नजीमा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। इसके बाद इन्होंने जिद्दी, आरजू, अप्रैल फूल, आए दिन बहार के, औरत और वही लड़की जैसी कई फिल्मों में काम किया। ज्यादातर फिल्मों में चूंकि वो बहन के किरदार में ही नजर आईं, इसीलिए वो बॉलीवुड की बहन के नाम से भी मशहूर हो गई थीं। नजीमा अपने करियर ग्राफ से खुश तो थीं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें इस बात का मलाल भी था कि फिल्म मेकर उनमें लीड हीरोइन वाले गुण नहीं देख पा रहे थे। जब भी नजीमा को कोई फिल्म ऑफर होती उसमें उन्हें बहन का किरदार थमा दिया जाता, शायद इसीलिए क्योंकि उन किरदारों में नजीमा कभी असफल नहीं रही और तमाम अवार्ड्स जीतती चली गईं। लेकिन नजीमा के मन में लीड हीरोइन बनने की हसरत थी, पर कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान से क्या नहीं करा देती। नजीमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, ना चाहते हुए भी नजीमा को बहनों के किरदार करने पड़े। जो भी फिल्में उन्हें मिली वो उन्हें करती चली गईं, सिर्फ इसीलिए कि कहीं वो बेरोजगार ना हो जाएं, कहीं फिल्म इंडस्ट्री उन्हें भूल ना जाए। इसका जिक्र नजीमा ने 1968 में एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में किया था। तब नजीमा ने कहा था, मैं नहीं जानती मेरे भविष्य में क्या है, लेकिन निर्देशक मुझसे जो भी करने को कहते हैं वो मैं करती हूँ। लेकिन अभी तक किसी निर्देशक को ऐसा नहीं लगा कि मैं लीड हीरोइन का रोल कर सकती हूँ और मुझे फिल्मों में बने रहने के लिए इस तरह के किरदार करने पड़ेंगे, वरना मैं बेरोजगार हो जाऊंगी, लोग मुझे भूल जाएंगे। जब आपके पास कोई नौकरी होती है तो कम से कम आप फील्ड में बने रहते हैं और तब इस बात से आसरा भी रहता है कि आपको अपना हुनर दिखाने का मौका भी मिलेगा। अभी तो सक्सेस सिर्फ एक भ्रांति यानी डाउट ही लगती है, लेकिन एक ना एक दिन मैं जरूर सफल हो जाऊंगी। मात्र 22 साल की उम्र में ही नजीमा उस दौर की एक ऐसी एक्ट्रेस बन गई जिनके आगे फिल्म की लीड हीरोइनें भी फीकी पड़ गईं। कहा जाता है कि उस वक्त कुछ हीरोइनों को उनकी लोकप्रियता से जलन भी होने लगी थी, लेकिन खुद को चरम सीमा पर देखने का ख्वाब संजोने वाली नजीमा को क्या पता था कि मौत पहले से ही उन्हें अपनी बाहों में समेटने के लिए खड़ी थी। सिर्फ 27 साल की छोटी सी उम्र में ही नजीमा इस दुनिया से चल बसी। उन्हें कैंसर था जो दिनों दिन इतना बढ़ गया कि नजीमा इस दुनिया को ही छोड़ कर चली गईं। उनकी कई फिल्में तो ऐसी रहीं जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुईं और सभी सक्सेसफुल रहीं। ताज्जुब की बात ये है कि अपने चंद सालों के करियर में ही जिस नजीमा ने उस दौर के बड़े से बड़े निर्माता, निर्देशक और एक्टरों के साथ काम किया, उन्हें ही लोगों ने लीड हीरोइन के लायक नहीं समझा और वो जो डिजर्व करती थी उससे दूर रखा। उन्हें लगा होगा कि 4 दिन पहले आई ये नई लड़की किसी बड़ी हीरोइन के आगे ज्यादा नहीं टिक पाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। नजीमा ने तो उस दौर के सभी सुपरस्टार्स को नाकों तले चने चबवा दिए थे और उनकी एक्टिंग का लोहा मानने के लिए मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे हमारी इस वीडियो के बारे में? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।